सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल कैसा होगा, इस पर आज चर्चा की गई। उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर सुबह 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय अध्यापक संघ, प्रवक्ता संघ, हेडमास्टर और प्रधानाचार्य संघ, शारीरिक शिक्षक अध्यापक संघ, विज्ञान और कॉमर्स तथा आर्ट्स प्रवक्ता संघ के अलावा खंड परियोजना अधिकारियों को बुलाया गया। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधानों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया, ताकि वह अपने बच्चों की शिक्षा से संबंधित सुझाव विभाग को दे सके। वर्तमान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में साल में 3 बार छुट्टियां रहती हैं, जनवरी माह में 10 दिन का अवकाश, बरसात में 36 दिन का अवकाश और त्योहारी सीजन में 6 दिन का अवकाश सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रदान किया जा रहा है। अभी विभाग ने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक भी छुट्टियों का निर्णय लिया है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। बरसात के मौसम में 21 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियां प्रदान की जा रही हैं, लेकिन निचले हिमाचल में अगस्त तक भारी बरसात हो रही है, जिस कारण बच्चों को स्कूल से घर आने जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई। उधर उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक जसवंत सिंह का कहना है कि छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर हमीरपुर कार्यालय में बैठक की गई और सभी अध्यापकों ने इस बारे में अपने अपने विचार रखे। आज की मीटिंग जो है ये वेकेशन शेड्यूल के ऊपर डिस्कस करने के लिए जो बुलाई गई है। हमारे उच्च शिक्षा निदेशक के आदेशों के ऊपर ये मीटिंग का जो आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे जिला के सभी अध्यापक संघों के प्रतिनिधि, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, साथ में हमारे सभी ब्लॉक्स के बीपीओ, बीओस और बीच में हमारे एसएमसी प्रेसिडेंट्स, जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, ये भी शामिल हैं। ये सभी अपने व्यूज जो इसके ऊपर वेकेशन शेड्यूल के ऊपर वो दे रहे हैं, और जैसे ही ये सबके व्यूज आ जाएंगे उसके बेस पे हम फाइनल कंक्लूजन लेकर के अपने शिक्षा निदेशालय को इसके बारे में जो बताएंगे कि ये शेड्यूल हमारे जिला की तरफ से जो है, जिसके लिए सभी अध्यापक संघ जो है वो एग्री में उसको ये करेंगे, और उसके बाद हमारा स्टेट लेवल पे शिक्षा निदेशक जो है वो इस शेड्यूल को जो है वो फाइनल करेंगे। बाकी जिला के हमारे जो है हर जिला में इस टाइप की वो मीटिंग्स वो की जाएंगी, और जो भी फाइनल कंक्लूजन आएगा उसके बाद जो है वो हमारा डिपार्टमेंट इसको जो है वो अप्रूव करेगा।